गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन मैथ क्लास। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4E। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, यू नो दैट द ऑपरेशन, आप सभी को पता है ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये सब आप यूज़ कर चुके हो। यू ऑल्सो नो द ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ। एक जो ऑपरेशन होता है वो ऑफ भी होता है, जैसे किसी चीज़ का हम ऑफ निकालते हैं उसका मींस होता है कि मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि किसी कहीं पे भी अगर ऑफ आपको निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी उस वैल्यू से। इन अ सिंप्लीफिकेशन सम द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर टू बी डन इज गिवन बाय ऑडोमास। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला है, एक वो है जिसका नाम है ऑडोमास, उसके अकॉर्डिंग हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में आएगा। जैसे कि फर्स्ट है ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इनसे क्या फार्मूला बन रहा है आपका, ऑडोमास, यानी कि ओ डी एम ए एस। तो इस तरीके से सीक्वेंस में ही हमें इन्हें सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले हम ऑफ वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन वाले, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है वो ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ब्रैकेट्स, व्हेन वी वांट टू डू अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिफोर अदर वी पुट इट विद इन ब्रैकेट्स। जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले हमें ब्रैकेट में भी लिखना होता है। लुक हाउ द आंसर कैन चेंज व्हेन यू पुट एन ऑपरेशन विद इन ब्रैकेट। आप देखिए कि जब आप ब्रैकेट में वैल्यू रख देते हैं वैल्यूज़ को, तो ऑपरेशन जो है किस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपली था, कोई ब्रैकेट नहीं था, तो सबसे पहले क्योंकि ऑडोमास के अकॉर्डिंग हमने डिवीज़न करा, तो यानी कि 100 प्लस 2 आ गया 102। अब ब्रैकेट जैसे लगा दिया हमने तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करना है, यानी कि ब्रैकेट वाला, यानी कि 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 6। यानी कि देखो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया ब्रैकेट की वजह से ही। तो हेयर यू विल लर्न अबाउट द टू काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। आपको जो है टू काइंड्स के ब्रैकेट के बारे में बताया गया, एक है हमारा ये और एक ये। ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट ही बोलते हैं ना, क्योंकि इसका शेप राउंड है। नाउ जो सेकंड आता है ये जो, इसे हम बोलते हैं सेकंड ब्रैकेट या ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि कर्ल टाइप का होता है। तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में अगर कहीं पर ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। When there are brackets in a simplification sum, the order in which the operation R to be one is given by ऑडोमास। तो बेटा अगर इस तरीके से ये ब्रैकेट्स अगर सिंप्लीफिकेशन में हमारे आ जाते हैं तो जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो बनता है ऑडोमास। ओके, तो बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4E, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए। आपको देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, आपको वैल्यूज दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑडोमास, देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो नहीं है तो हम ऑडोमास के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन। तो सबसे पहले ऑडोमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवीज़न करना होता है ना, तो यानी कि सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30, और ये वाला बाकी जो चीज़ है वो एज इट इज उतरेगी। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ तो है नहीं, बस दो ही चीज़ें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 900 क्या है हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। इसी तरीके से बी एंड सी सेम ऐसे ही आपको करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम कौन सी वाले ऑपरेशन अप्लाई कर सॉल्व करेंगे, डिवीज़न वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे दो डिवीज़न आ रहे हैं तो दोनों को साथ में ही करेंगे, यानी कि पहले इस दोनों को डिवाइड करेंगे, या 34 आ गया माइनस एज इट इज़, अब इन दोनों को डिवाइड करा तो कितना है 150। ठीक है, बाकी वाले नंबर ऐसी एज इट इज़ हमने नोट कर लिए। अब डिवीज़न के बाद जो है हम कौन सा करते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन। तो 34 ऐसे ही, 150 भी ऐसी, मल्टीप्लाई किन दोनों नंबर के पीछे, इन दोनों के पीछे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर रिजल्ट आ गया 5976। अब देखिए हम क्या करते हैं, एडिशन वाले को सॉल्व करते हैं। तो 34 तो ऐसा ही, अब ये देखिए ये प्लस है, वैसे तो प्लस का साइन है इन दोनों के बीच, लेकिन ये वाले नंबर पर माइनस का साइन है, यानी कि प्लस माइनस माइनस करना होगा हमें। ठीक है, तो यानी कि इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5826, और बड़े नंबर वाला साइन यानी कि प्लस का लग जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकेंड का बी पार्ट देखें तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ऑडोमास के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑफ आ रहा था, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये एज इट इज़ हो गया। अब
45 ऑफ 20 यानी कि दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया, ठीक है। बाकी नंबर एज इट इज़ हमने नोट किए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवीजन वाले यानी कि इन दोनों का जब डिवीजन करेंगे तो कितना आ गया 10 प्लस, इन दोनों का डिवीजन करा तो 5, 10 प्लस 5 15, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कुछ नहीं आपको मिल रहा है, यानी कि ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो यानी कि अब ब्रैकेट्स हमें दिए गए हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है, चाहे उसके अंदर कोई सा भी ऑपरेशन लगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर अगर बहुत सारे नंबर आपको दे रखे हैं तो आप बॉर्डर मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे सॉल्व से। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हमें ऑलरेडी ओनली प्लस ही दे रखा है, तो सबसे पहले इन्हें प्लस कर लिया। ये ऐसे एज इट इज़ नोट्स किया है हमने, यानी कि अब दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3840 आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा आपको 3 का जो बी एंड सी पार्ट है सेम एज इट इज़ आपको करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे देखो, ब्रैकेट वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 108 आएगा और माइनस 7, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। अब यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 9 माइनस 7 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी कि कौन सा, ये वाला तो ग्रेटर है पर यहाँ पे इक्वल दिया है तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। ऐसे ही बी पार्ट में देखिए, सबसे पहले इन दोनों के करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 84 डिवाइडेड बाय 84 यानी कि 1। अब यहाँ पे पहले इन्हें डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12 इंटू 12 कितना आएगा 144, यानी कि दोनों इक्वल तो है नहीं बट यहाँ इक्वल दे रखा है, यानी कि ये भी फॉल्स है। नाउ सी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे 2 और 75 2 जो 150, ऐसे यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय इनको डिवाइड करके 2 आएगा, देन अगेन 150 यानी कि इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही डी पार्ट देखिए, जब इन्हें सॉल्व करेंगे हम इस इधर पार्ट को उधर पार्ट को, तो जो दोनों ही वैल्यू है वो हमारी सेम ही आएंगी, यानी कि 460 यहाँ पे भी 460 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि इक्वल जो है वो सही दे रखा है, यानी कि ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको राउंड जो हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना होता है, यानी कि हम राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया 28, इन दोनों को जब सॉल्व किया यानी कि माइनस करके 5 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, नाउ 15 ऐसे ही मल्टीप्लाई, दोनों को आप सॉल्व करेंगे यानी कि माइनस होगा 23। अब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 345, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब वैल्यू हमारी आई है 345। ये फिफ्थ का जो बी पार्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। नाउ फिफ्थ का सी पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो 61 माइनस सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे 69 डिवाइड ऐसी, इन दोनों को माइनस करा तो 23, ठीक है। अब 61 एज इट इज़ माइनस इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है 3। नाउ 61 में 3 गया 58। ऐसे ही डी पार्ट देखिए, आप डी पार्ट में आपको वैल्यूज क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 70 डिवाइड हुआ है यहाँ पर माइनस। अब कर्ली ब्रैकेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 96 डिवाइड इन दोनों को करा तो 24, ठीक है, क्योंकि तीनों ही राउंड ब्रैकेट में, तो तीनों को हमने साथ में ही सॉल्व कर दिया है। अब 70 ऐसे ही रहेगा, इसमें से जब इसे डिवाइड देंगे इन दोनों को तो कितना आ गया 4, 70 में से 4 जाएगा 66, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 66 हमारा आंसर आ। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आपको करने हैं खुद, और बाकी जितने मैंने सॉल्व करने हैं वो मैं इसका वर्क आपको सेंड कर दूँगी, और ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। ओके, सो टेक केयर, बाय।